So good morning, class 3rd, Hindi, chapter number 3. Chapter number 3 का नाम है एक तामे बल. लोमड़ी उससे बोली, तुम गिलहरी और
ज्यादा ताकतवर हो। गोरिल्ला को लगा कि वहां यह लॉबी ठीक करती है। उसने कुल्हाड़ी एक तरफ रख दी। अब गोरिल्ला उसके बहकावे में आ गया और उसने कहा कि ठीक है मैं क्यों करूं ऐसा काम। उसने कुल्हाड़ी को रख दिया। लॉबी की चाल जो है सफल हो गई गोरिल्ला को भड़काने में। अब देखो इसके बाद लॉबी खरगोश के घर गई। अब कहां गई लॉबी? खरगोश के घर गई। पहले गई गोरिल्ला के पीछे और उसको बातों में बहकाया और गोरिल्ला ने कुल्हाड़ी को साइड में रख दिया कि अब मुझे तो नहीं करना है इसमें क्यों करूं। आप गई है खरगोश के पास। वह टोकरी बनाने के काम में लगा था। लॉम्बी ने उसे धमकी दी। लॉम्बी ने तो सीधी उसको जाके धमकी दी, मैं तुम्हें वह पुल नहीं बनाने दूंगी। अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें सचमुच निगल जाऊंगी। लॉम्बी ने तो खरगोश को सीधा धमकाया कि तुम पुल नहीं बनाओगे, अगर पुल बनाने के लिए घर से बाहर निकले तो तुमको मैं निकल जाऊंगी। बेचारा खरगोश था छोटा डर गया। खरगोश की सिट्टी पिट्टी घूम हो गई, वो तो एकदम से उसका होश उड़ गया। डर गया कि नहीं नहीं मेरे को तो बाहर नहीं जाना। जब गिलहरी रस्सी लेकर नदी के किनारे पहुंची तो हाथी पहले से ही अपनी सूंड में बल्ली पकड़े वहां मौजूद था। गिलहरी पहुंची रस्सी लेकर, खरगोश तो आया नहीं क्योंकि उसको लॉम्बी ने धमकाया और गोरिल्ला भी नहीं पहुंचा क्योंकि गोरिल्ला को भी उसने भड़का दिया। अब कौन है? गिलहरी और हाथी दोनों ही वहां पर पहुंचे। हाथी तो सूंड में क्या लाया? बल्ली लेकर आया और गिलहरी रस्सी लेकर नदी के किनारे पहुंची पुल बनाने के लिए। उन्होंने गोरिल्ला और खरगोश को काफी देर तक इंतजार किया पर वे नहीं आए। दोनों उनका बहुत देर तक दोनों ने उनका वेट किया लेकिन दोनों ही नहीं आए। गिलहरी ने दुखी होकर हाथी से कहा वे दोनों नहीं आएंगे, आओ हम स्वयं पुल बनाएं। गिलहरी ने परेशान होकर कहा कि नहीं अब लगता है शायद वे दोनों नहीं आएंगे, चलो हम दोनों बनाते हैं। वे दोनों पुल बनाने के काम में जुट गए। थोड़ी ही देर में उनको पता चल गया कि गोरिल्ला और खरगोश के बिना पुल नहीं बना सकते। हाथी और गिलहरी खरगोश के घर गए। हाथी और गिलहरी दोनों ही समझ गए कि भाई थोड़ी देर तो उन्होंने कोशिश की लेकिन उनको समझ में आ गया कि भाई उन दोनों के बिना काम नहीं हो सकता है। इसलिए वे दोनों कहाँ गए? पहले वे दोनों गए खरगोश के यहाँ। वहां उन्हें सारी बात पता चली। खरगोश ने सारी बात बताई कि भाई लॉम्बी ने मुझे ऐसा ऐसा बोला है कि अगर घर से बाहर आए तो मैं तुमको निकल जाऊंगी, तो मैं तो नहीं आऊंगा। वह पिछली बार लॉम्बी ने तुम्हारे घर पर कब्जा करने की कोशिश की थी तब हम सबने मिलकर उसे खदेड़ दिया था, हाथी ने ऐसा कहा। हाथी ने कहा कि भी पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि भाई लॉम्बी ने तुम्हारे घर पर कब्जा करने की कोशिश की और हम लोगों ने मिलकर उसे बाहर खदेड़ दिया, मतलब ऐसा होने नहीं दिया, ऐसा जो काम था उसका। एक होकर हम ताकतवर हो जाते हैं, जब हम चारों साथ में होते हैं तब वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हम लोग शक्तिशाली हो जाते हैं और किसी शत्रु से नहीं डरते। गिलहरी ने ऐसा कहा। गिलहरी ने कहा कि हम जब चारों ही साथ होते हैं तब वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हम चारों ही ताकतवर हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। अब खरगोश बोला, तुम ठीक करती हो, हम सब मिलजुल कर पुल बना सकते हैं और लॉम्बी को भी हरा सकते हैं। इसके बाद तीनों गोरिल्ला से मिलने उसके घर गए। तीनों ही साथ हो गए, बात समझ में आ गई तीनों को, तीनों ही गोरिल्ला के यहाँ गए। हाथी ने रस्सी से एक धागा निकाला और उसके हाथ में
गड्ढा खोदा। अब चारों ने मिलकर लोमड़ी को फंसाने के लिए नदी के किनारे एक बड़ा सा गड्ढा खोदा। गोरिल्ला अपनी कुल्हाड़ी से जंगल के पेड़ काटने गिराने लगा और हाथी उसको सूंड से उठाकर नदी के किनारे पहुंचाने लगी। अब गोरिल्ला काम में लग गया। जो उसने धार तेज की थी कुल्हाड़ी की, उससे उसने पेड़ काटे और हाथी उनको उठा उठाकर नदी किनारे आने लगा। गिलहरी बैग के छिलके उतारने में लग गई ताकि खरगोश उनकी टोकरियां बनाने लगे। जो बैग होती है बड़ी बड़ी, उनके जो छिलके उतार के उसके बाद में पुल बनाने के लिए टोकरी बनाई जाती है। धीरे धीरे पुल बनने लगा। तभी लोमड़ी दबे पांव वहां आ पहुंची। लोमड़ी आई और वहां पर पुल बनते देख कर वहां आग बबूला हो गई। आग बबूला होना यानी ये मुहावरा है, इससे आया है आग बबूला हो गई। आग बबूला होना यानी कि बहुत ही गुस्सा होना। लोमड़ी को बहुत ही गुस्सा आया कि ये चारों दिन तक काम कर रहे हैं। वह रस्सी को काटने के लिए उछली और गड्ढे में जा गई। वो जो रस्सी उन्होंने बांधी थी उसको काटने के लिए लोमड़ी उछली ले गई, वहां काट नहीं पाई और गड्ढे में गिरी। हाथी गड्ढे के पास आया और उसने लोमड़ी को अपनी सूंड से में लपेट कर ऊपर उछाल दिया। हाथी आया और उसको अपनी सूंड में उठाया और ऊपर उछाल दिया। वह पानी में डूबी और मर गई। चारों दोस्तों ने मिलकर नया पुल तैयार कर दिया। चारों दोस्तों ने मिलकर क्या किया, नया पुल तैयार कर दिया। आहा, जरा देखो कितना सुंदर दृश्य है। डूबते सूरज की लाली छाई हुई है और गिलहरी खरगोश गोरिल्ला तथा हाथी नए पुल को पार कर रहे हैं। देखो ये जब पुल बन गया, पुल के ऊपर चारों ही चढ़े और क्या देख रहे हैं, डूबते सूरज की लाली छाई हुई है। सूरज जब डूबता है तो उसकी रेड रेड जो रोशनी होती है ना, उसको बोलते हैं कि भी लाली छाई हुई है। और कितना सुंदर नजारा था, ये सब आपस में बातें कर रहे थे चारों कि देखो कितना सुंदर दिख रहा है जब सूरज डूब रहा है और उसका जो लाल लाल कलर है। और गिलहरी खरगोश गोरिल्ला तथा हाथी नए पुल को पार करने लगे। तो बच्चों आपको ये चैप्टर शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही चैप्टर अच्छा चैप्टर है। इसमें आपको बताया है कि भाई चारों दोस्त जो है एक पुल होता है, पुल टूट जाता है, फिर उनको बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोमड़ी ऐसा होने नहीं, कोशिश करती है कि ऐसा ना हो, फिर भी उन चारों ने मिलकर पुल को बना लेते हैं। पहले दो ने कोशिश की थी, दो लोगों ने बनाने की, लेकिन वह पुल नहीं बना पाए। उनको समझ में आ गया कि भाई दो अकेले लोग इनको नहीं बना सकते, जब तक कि इकट्ठा होकर साथ में काम नहीं कर सकते। उन्होंने उदाहरण भी दिया था इसमें, हाथी ने गोरिल्ला को रस्सी का उदाहरण दिया था, रस्सी में से एक धागा निकाल के दिया था जिसने गोरिल्ला ने आसानी से तोड़ दिया, लेकिन जो पूरी रस्सी थी उसको गोरिल्ला नहीं तोड़ सका। तो इस प्रकार समझ में आता है कि भाई गोरिल्ला को भी ये बात समझ में आ गई कि एकता में बल होता है। अगर अकेला व्यक्ति काम करता है तो वह मुश्किल है, लेकिन साथ में लोग मिलकर काम करते हैं तो वो काम को सफल, कोई भी मुश्किल काम हो उसको सफल बना सकते हैं।